bismillah rahman rahim assalamu alaikum i welcome you to the video session of kentuck publishers before going into the topic let's let's first make sure that you are having the book of general science grade 5 in your hand and along with that the summer pack as well all the concepts being discussed in this books are replicated and given in detail in the summer pack summer pack is for the summer vacations, all the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, we discussed about pollution. Now, one of the important topic of this chapter is kinds of pollution. Kinds koun, koun se यू सी हियर इस पिक्चर में मैं आपको उनके टाइप्स डिटेल से बताऊंगा आगे हम जाएंगे एयर पोल्यूशन नंबर टू वाटर पोल्यूशन नंबर थ्री लैंड और सॉइल पोल्यूशन अभी आप देखें प्यारे बच्चों कि आपको कौन कौन से पोल्यूशन नजर आ रहे सबसे पहले जो चिमनी से यहां पे हवा में गंद जा रहा है उस पर क्या लिखा है एयर पोल्यूशन सो यू सॉ दिस इज एयर पोल्यूशन यानी हवा में जब पोलूटे जाते हैं जब कॉन्टामिनेंट्स जाते हैं तो वो क्या करते हैं वो हवा को पॉल्यूट करते हैं राइट एंड नंबर टू इज वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन क्या है प्यारे बच्चो दिस इज फैक्ट्री यहां से जो केमिकल्स वेस्ट हो जाते हैं ये आ गए इनके यहाँ पे एक मेन होल टाइप है और उससे अनफॉर्चुनेटली हमारे उस पानी में ये शामिल हो जाते हैं जो रनिंग वाटर होता है तो उस रनिंग वाटर पे ये देखो प्लांट्स ट्रीज और ये एनिमल्स दोनों इस पर डिपेंड करते हैं तो ये पानी में होके अगर ये इधर जाते हैं तो ये ट्रीज को भी खराब करते हैं और ये एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय करती हैं दिस इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन नंबर थ्री इज लैंड पोल्यूशन ये जो आपको यहां से ड्रम्स चिमनीज ये गिर जाते हैं और ये जमीन पे ये जमीन पे फैल जाते हैं और हमने जो नॉन पॉइंट सोर्स सोल्यूशन की बात की थी जब पानी बारिश होती है रेनफॉल के वक्त ये जमीन पे पड़े होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं ये फिर पानी का हिस्सा बन जाते हैं या जब ये जमीन पे होते हैं और उस पर लोग चलते हैं तो दोबारा उठ के एयर पोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स द थ्री मेन काइंड ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पोल्यूशन वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड और सॉइल पॉल्यूशन वी विल गो इन द डिटेल ऑफ दिस काइंड एंड यू सी दैट वट इज एयर पोल्यूशन इट्स कॉजेज एयर पोल्यूशन है क्या और उसके मेन कॉजेस क्या हैं एयर पोल्यूशन इसके हम कॉजे भी पढ़ेंगे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे और इसके रेमेडीज भी पढ़ेंगे दैट हाउ कैन वी अवॉइड किस तरीके से इस एयर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों इसको सिर्फ पेपर के लिए नहीं याद करो इनफैक्ट किसी भी टॉपिक को जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं दीज आर नेसेसरी फॉर योर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ सो काइंड ऑफ पॉल्यूशन देर आर वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन मोस्ट कॉमन टाइप्स आर एयर पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन इज काज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स फ्यूल्स डेट आर मोस्ट कॉमनली यूज इन यूज इनक्लूड कोल वुड ऑयल पीपल बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी टू रन व्हीकल्स कुकिंग फूड्स एंड मैक डिफरेंट प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज तो प्यारे बच्चों सबसे पहले व्हीकल्स क्योंकि आप लोग देखते हो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जब आप बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं व्हीकल्स जो होते हैं उससे धुआं उठता है उसके बाद फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज से भी धुआं उठता है या कहीं पे कुछ लोग ऐसे ही लकड़ियां या कुछ और फॉसिल्स जलाते हैं जिससे हवा में पोल्यूशन क्रिएट होती है वेन फ्यूल्स आर बर्न स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस्ड

Air pollution is caused by the injurious smoke emitted by cars, buses, trucks, trains, and factories, namely sulfur dioxide, carbon monoxide, and nitrogen oxide. Remember these three names, sulfur dioxide, carbon monoxide, and nitrogen oxide. ये बहुत ही खतरनाक किस्म के गैसेस यानी एयर में शामिल हो जाते हैं जो हमारे लंग्स को हमारी बॉडी को प्लांट्स को एनिमल्स को सबको इन्फेक्ट करती हैं हमें बीमार करती हैं नंबर टू इवन स्मोक फ्रॉम बर्निंग लीव्स एंड सिगरेट इज आल्सो हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट कॉजिंग ए लॉट ऑफ डैमेजेस टू मैन एंड एटमोसफियर मीन्स अगर हम आम रूटीन में आप लोगों ने रोडों पे देखा होगा लोग पेपर्स जलाते हैं लीव्स जलाते हैं और उससे भी बुरी चीज स्मोकिंग सिगरेट जब लोग सिगरेट पीते हैं और उससे धुआं उठता है आप लोगों ने रेलगाड़ी को देखा होगा उसमें क्या होता है उसके अंदर कोल जलाया जाता है जिससे बहुत ज्यादा धुआं उठता है और थर्ड नंबर इज ये लफ्ज़ थोड़ा सा आपके लिए नया है सी एफ सी शायद नाम सुना हो लेकिन इसका पूरा नाम है क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन रिलीज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशनर्स डिओड्रेंट्स एंड इंसेक्ट रिपेलेंट सेवियर डैमेजेस टू द अर्थ इन्वायरमेंट प्यारे बच्चों में आसान बताता हूं जो आपको कैंस जितने भी कैंस हैं यानी वो केस जो होते हैं उसके अंदर कौन सा गैस होता है सी एफ सीज यानी आप लोग जो मास्किटो रिपेलेंट होता है जो घर में आप लोग उसको चस कर रहे होते हैं उसके ऊपर जहां और हर एक बच्चा जिद भी करता है कि मुझे दे दो मैं इन मास्किटोस को मारता हूं तो जहां पे भी आपको आ, ये जो केन्स नजर आ जाए तो इसमें और उसके बाद रिफ्रिजरेटर में एक गैस बतौरे फॉर कूलिंग पर्पज डाला जाता है कंडीशन में उसके बाद डिओडरेंट्स जो होते हैं डिओरेंट स्कैन में होते हैं जो आप लोग बॉडी स्प्रे कहते हैं उसके अंदर भी सी एफ सी डाला जाता है आज कल साइंटिस्ट इसमें बिजी हैं कि हम ऐसी चीजें बनाएं जो सी एफ सी से पाक हो दैस दैट हैज लोड स्लोली डैमेज द एटमोसफेयर एंड डिप्लेटेड द ओजोन लेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग यानी जब ये ऊपर जाते हैं तो ओजोन लेयर है उसको डैमेज करती है और जब ओजोन लेयर डैमेज हो जाए तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है इस टॉपिक को आप लोग अगली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे एयर इज बाय विंड जिस तरह मैंने पहले बात की प्यारे बच्चों यानी पोल्यूशन तो सिर्फ यहां पे आ गई लेकिन विंड आ जाती है और इलाकों में और उससे और इलाकों में भी फैल जाता है और काफी सारे लोगों को नुकसान देता है जब इसी के ऊपर जब इस स्मोक के ऊपर रेन हो जाए तो क्या हो जाता है रेन एंड स्नो वॉश देम इन टू द ग्राउंड विच काज वाटर पोल्यूशन टू द ग्राउंड वाटर यानी एयर पोल्यूशन किस में आ जाएगा वो वाटर पोल्यूशन भी बनाता है एयर पोल्यूशन जो है वो एक कॉज है वाटर पोल्यूशन का भी और यू सी दीज स्मोक्स एंड दिस वन द स्मोक यू सी फ्रॉम द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड देर इज इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन डू यू नो द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज टर्म्ड एज बायो बायो रिमेडिएशन बायो रिमेडिएशन हम इसकी रेमेडीज आगे भी देखेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर यहां पर हमने गण डाला और माइक्रो uh, ऑर्गेनिजम्स ने इनको खा लिया तो जलाने की जरूरत नहीं होगी जब हम जलाएंगे नहीं तो एयर पोल्यूशन नहीं बनेगा सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आर फ्रेंड्स इन दिस रिगार्ड उसके बाद हम आते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। यू सी हियर द लंग्स ऑफ हेल्दी पर्सन एंड द लंग्स ऑफ इंजर्ड पर्सन और ये लंग्स किसकी वजह से है दिज आर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन और उसमें और ज्यादा सिगरेट पीने वालों के लंग्स खराब हो जाते हैं क्यों क्योंकि उसमें वो स्मोक अपने लंग्स में लेके जाते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग नादान फूल्स वो क्या करते हैं वो सिगरेट पीते हैं और वो धुआं उनके लंग्स में से होके वापस निकलता है आते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ये फोर है आप लोग इनको तो वजह से सुने सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर गैसेस दैट हार्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इट कैन अफेक्ट द हर्ट ब्रेन एंड अदर इंटेस्टाइन एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं रिस्पाइरेटरी सांस लेना ब्रीथिंग सिस्टम जो है उसको डैमेज करती है वेन पीपल बर्न द गार्बेज एंड ट्रैश इट एड आर्टिकल्स इन एयर वेन दीज सॉलिड पार्टिकल्स आर ब्रीथ इन इट डैमेजेस द लंग्स एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम प्यारे बच्चों गार्बेज को जलाते हैं जिस तरह मैंने आपको पिक, पिछली पिक्चर्स में दिखाया जब वो गार्बेज को जलाने अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम का ले, तो बात खलास लेकिन अगर इसको हम जला लें तो उससे क्या होता है एयर पोल्यूशन पैदा होता है नंबर सी एविडेंस ऑफ इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इज सीन इन लंग्स कैंसर एस्थमा एलर्जीज and various breathing problems along with severe irreparable damage to the living organisms yani, uske baad, ek or sya, these three diseases lung cancer asthma and many allergies because of air pollution uske baad, even the most natural phenomena of migratory birds has been troubled with severe air pollution preventing them from reaching their seasonal metropolitan destination of centuries so pyare bachcho aap logo ne migration bird migration का नाम सुना है birds एक जगह से दूसरी जगह travel करते हैं जब हवा में pollution होगा तो ये उनमें से ब्रीथ करके मर जाते हैं तो बर्ड माइग्रेशन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगली क्लास में आप लोग देखोगे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां कूंज नहीं पाए जाते लेकिन साल में एक वक्त स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च ऐसा होता है कि हवा में ऊपर कूंज यहां से गुजरते हैं और वो बहुत एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेवल करते हैं प्यारे बच्चों दीज द प्रॉब्लम नाउ वी आर कमिंग टू रेमेडीज हमने एयर पोल्यूशन भी पढ़ा कॉजेज भी पढ़ लिए हम फुल इफेक्ट भी पढ़ लिए अभी रेमेडीज और बहुत अटेंशन की जरूरत है कि हम इसकी रेमेडीज सीखें रेमेडीज नंबर वन पीपल शुड प्लांट द ट्रीज एज मच एज पॉसिबल टू रिड्यूस पोल्यूशन जितना ज्यादा हम पौधे ट्रीज उगाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्लांट्स क्या करते हैं आपको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन और लेते क्या है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड तो जितना ज्यादा हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो हम हमारी जो जो है जो नुकसान हैं वो कम हो जाएंगी पीपल वी शुड बर्न द फ्यूल्स इन लेसर अमाउंट कम से कम फ्यूल हम जलाएं वी शुड नॉट बर्न द द्रेश इन ओपन एयर यानी जो है किसी भी चीज को हम ओपन एयर में ना करें जिसकी चिमनी हो ताकि वो सारा का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में ना जाए वी शुड इंश्योर द रेगुलर चेक चेकअप ऑफ द मोटर व्हीकल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉइजनस गैसेज प्यारे बच्चों होता क्या है यानी जो गाड़ियां होती हैं अक्सर ये बहुत पुरानी होती हैं और उनके जो इंजन होते हैं वो बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा धुआं निकालता है तो अगर हम व्हीकल्स का इंजन सही रखें तो क्या होगा फिर वो धुआं कम निकलेगा तो अनबर्न फ्यूल हवा में नहीं जाएगा नेक्स्ट वन वी शुड यूज इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी एयर पोल्यूशन यानी अगर हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें फ्यूल को जलाने के बजाय तो क्या होगा हम पोलूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं नंबर एफ वी शुड इंश्योर दैट पब्लिक इज अवेयर ऑफ द पॉसिबल है पोल्यूशन हमें लोगों को भी अवेयरनेस देनी है प्यारे बच्चों अगर हम सब इस बात के बारे में अवेयर हो कि कौन से काम करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए तो लोग नहीं करेंगे और उनको उनके नुकसान का भी पता होगा तो क्या हो जाएगा लोग अवॉइड करेंगे कुल्ली फिजा में चीज़ों को जलाना और कोशिश करेंगे कि हम अपने एनर्जी वाले सिस्टम सोलर एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करें dear students we are having a short uh, uh, information uh, do you know people who live in high density air pollution area have 20% high risk differing from lung cancer dying from lung cancer than the people living in less polluted areas so Rebacho, lungs cancer ke liye बचना चाहिए लंग कैंसर से बचने के लिए हमें एयर पोल्यूशन से बचना चाहिए हमें ऐसे एरिया में जाना चाहिए जहां पोल्यूशन कम हो और जहां हम रहें वहां एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करना है करेंगे इन नाउ गो फॉर योर होमवर्क ऑन द समर टास्क बेस्ट ऑफ लक माई रियर स्टूडेंट सी इन द नेक्स्ट क्लास तब तक आप इसको रिवाइज करें ताकि जो वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन हम पढ़ें तो आपको इसका भी याद हो और आपके जहन में हो तो वो वाली काइंड ऑफ पोल्यूशन आपके लिए और आसान हो जाएंगे सो बेस्ट ऑफ लक माई माई डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़